अम्मी मारुख मेरे कमरे में रहेगी जब तक उसका कमरा तैयार नहीं हो जाता। आप प्लीज नीलम से कह दीजिएगा कि वो अपने कमरे में रहे। बोलो और बोलो, रुक क्यों गए हो? अगर कुछ और भी रह गया है तो वो भी बोल दो। इतना बड़ा फैसला करते हुए तो तुम्हारे कदम ना रुके। तो बेटा बोल दो, मैं माँ थोड़ी हूं। मैं तो इस घर में पड़ी हुई ईंट हूं, जो ऐवें पड़ी हुई है, ना काम की ना काज की। अम्मी आपकी नाराजगी मुझसे जायज है, लेकिन खुद को यूं बेमोल ना करें मेरे सामने। आपकी अहमियत। बस बस ये बातें रहने दो सरमत। मुझे तो तुम पर फखर था कि मेरा बेटा मेरी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता, मगर तुमने तो मेरे फखर को मिट्टी में मिला दिया। अम्मी ऐसी बातें तो ना कहें, यकीन करें मैं मजबूर हो गया था। मजबूर? कैसी मजबूरी? अरे इतने मजबूर हो गए कि उस लड़की को निकाह करके घर में ही ले आए, जिसने पूरी दुनिया में हमें रुसवा करने के लिए कोई मौका हाथ से न जाने दिया। बिल्कुल सही कहती थी नीलम कि जरूर तुम्हारा और मारुख के दरमियान कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक है, मगर नहीं, मैंने ही ना माना। मैं ही बेवकूफ थी और तुम तो हमें धोखे में रखते रहे। नहीं, मैंने आप में से किसी को भी धोखे में नहीं रखा। मैं तो खुद भी नहीं सोच सकता था कि जिंदगी इस मोड़ पर ले आएगी। ना ना सर, मत ना। अब मैं तुम्हारी किसी बात में आने वाली नहीं। आज के बाद तुम्हारा मेरा हर रिश्ता खत्म। बस समझो तुम्हारी माँ मर गई। नहीं, मेरी बात तो सुनने वजह तो जाने। कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। समझना होगा मेरी मजबूरी। मुनव्वर अंकल के पास वक्त नहीं था, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मारुख से शादी कर लूं। मैं एक मरते हुए आदमी की ख्वाहिश को इनकार ना कर सका। तो ठीक है, निकाह कर लिया ना, होगी उनकी ख्वाहिश पूरी, तो अब तलाक दो से और चलता करो यहाँ से। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने मुनव्वर अंकल से वादा किया है कि मैं पूरी जिंदगी मारुख का ख्याल रखूंगा। वादा? अम्मी नीलम को होश आ गया। लो सुन लो, अब क्या जवाब दोगे उसे?